योगी सरकार के द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे एंटी रोमियो अभियान के तहत आज थाना गोवर्धन पुलिस ने गोवर्धन क्षेत्र में एंटी रोमियो अभियान चलाया, जिसमें महिला उप निरीक्षक संगीता चौधरी के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मियों ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर स्कूल और कोचिंग सेंटरों के आसपास अभियान चलाकर मनचलों को चिन्हित किया और कुछ युवकों को प्रथम चेतावनी देकर आगे के लिए आगाह किया कि जिससे कि महिला समाज में सुरक्षा की भावना जागृत हो सके और मनचलों के अंदर भय व्याप्त हो, लड़कियां और छात्राएं आम महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इस संदर्भ में सीओ गोवर्धन वरुण कुमार सिंह ने जानकारी दी। अभियान चलाया जाए, क्या उद्देश्य है? वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के क्रम में आज थाना गोवर्धन, बरसाना और महुरा में एंटी रोमियो स्क्वाड की प्रभावी कार्रवाई एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा की गई, जिसमें महिला उप निरीक्षक, महिला कांस्टेबल सादे वस्त्रों में स्कूल, कॉलेजों, मॉल, शॉपिंग मॉल इत्यादि आदि स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें मनचले लड़के जो भी पाए गए प्रथम स्तर पर अभी उन्हें समझाने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है और हिदायत उन्हें दिया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की अगर कोई भी घटना करते हुए आप लोग पाए जाते हैं तो आप लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये अभियान जो चलाया गया है, ये आज ही चलाया है या बाद तक चलता रहेगा? नहीं, ये अभियान प्रतिदिन दो दो तीन तीन घंटे ये स्कूल जब खुलते हैं तब और विशेष रूप से जब स्कूल बंद होते हैं तब, उस समय हम लोग अपनी टीम भेज के लगातार इस टाइप के लड़कों पे अंकुश लगाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस तरह की टीमें प्रतिदिन निकलती हैं ताकि जो है लड़कियों में एक सुरक्षा का भाव आए और वो अच्छे से अपना जो भी उनकी अग्रिम कार्रवाई है वो कर सकें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।